हेलो बच्चों, माई सेल्फ धीरज कुमार मिश्रा, डी के सर। आई वेलकम यू ऑल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एराइज अकेडमी। एराइज अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो बेटा, पिछले लेक्चर्स में हम सभी लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनीशन पढ़ा था। ये रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है, हम सभी लोगों को मालूम होता है। ये चार्ज कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हमने चार मेथड्स लिखे थे। पहला मेथड था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप फिक्स होगा, फर्स्ट ग्रुप का प्लस वन, सेकेंड ग्रुप का प्लस टू। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मेटल के साथ माइनस वन, नॉन मेटल के साथ प्लस वन। मेटल किसको लेंगे, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एल्यूमिनियम, और नॉन मेटल पी ब्लॉक के जो 13, 14, 15 के आएंगे, सब नॉन मेटल्स होंगे। रूल नंबर थ्री, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन कितना लेना है बेटा, माइनस वन। रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर हमने ये देखा था बेटा कि सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ऐड करते हैं तो वो टोटल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल के क्या होता है, इक्वल होता है। इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और मैंने एक चीज़ ढूंढ के निकाला कि तीन टाइप का ऑक्साइड होता है। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, एक होता है पर ऑक्साइड, और एक होता है सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन बाई टू। इतनी बातें हम सभी लोगों ने ढूंढ के निकाला था, सॉल्व किया था, आप सभी लोगों ने बेटा देखा था, ठीक है ना। चलो, तो हमारे पास इतनी बातें तो हो गई थी। अब आज ज़रा ध्यान से देखो सभी लोग, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ बेटा। आपको मैं एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, आपको एक ऑर्डर याद रखना है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमें ध्यान में रखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये क्या है, सो आप बोल सकते हो दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन। कौन बेटा, फ्लोरीन। इसके बाद होगा ऑक्सीजन, इसके बाद होगा नाइट्रोजन, इसके बाद होगा क्लोरीन, इसके बाद क्या होगा, क्लोरीन। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन है, क्लोरीन है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, दिस वन इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस वन इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉइंट बेटा हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं एटम लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, और ये क्लोरीन है ना। इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, आपको मैंने लिखवाया हुआ है। फ्लोरीन का तो फिक्स है माइनस वन, ऑक्सीजन का मिनिमम माइनस टू, नाइट्रोजन का मिनिमम माइनस थ्री, क्लोरीन का मिनिमम क्या होगा, माइनस वन। ये आपको मैंने लिखवाया हुआ है ना, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 17th ग्रुप का है फ्लोरीन। फ्लोरीन किस ग्रुप का है, 17th का है। ऑक्सीजन किसका है बेटा, 16th का है। नाइट्रोजन किसका है बेटा, 15th का है। और क्लोरीन किसका है बेटा, तो क्लोरीन भी 17th का। 17th ग्रुप का मिनिमम माइनस वन, 15th ग्रुप का मिनिमम माइनस थ्री, 16th ग्रुप का मिनिमम माइनस टू, 17th ग्रुप का मिनिमम क्या होगा, माइनस वन। तो हमें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है जो हमारे पास यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं आज लिखवाने वाला हूँ रूल नंबर फाइव। क्या लिखने वाले हैं, रूल नंबर फाइव। क्या रूल नंबर फाइव, देखो बेटा, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट is not known then
oxidation state of more electronegative element will be equal to its minimum oxidation state या minimum charge या तो उसके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा या उसके मिनिमम चार्ज के इक्वल होगा। ये कंसेप्ट हम कब लगाने वाले हैं? इफ़ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट इज़ नॉट नोन। अगर कोई मॉलिक्यूल लिखा है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं मालूम, एक से ज़्यादा का, मोर देन वन एलिमेंट इज़ नॉट नोन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा बेटा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मिनिमम चार्ज के इक्वल होगा, उसके मिनिमम चार्ज के इक्वल होगा। पॉइंट ध्यान रखना सभी लोग, किसके इक्वल होगा? मिनिमम चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल देखो ध्यान से सभी लोग, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा? एच सी एंड एन, ये दिया है, क्या दिया है? एच सी एन। देखो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है बेटा? कार्बन के साथ अटैच है। हाइड्रोजन किसके साथ है? कार्बन के साथ है। रूल नंबर टू, कार्बन क्या है बेटा? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तो हाइड्रोजन का चार्ज होगा प्लस वन। मैंने लिखवाया है रूल नंबर टू, देखो ध्यान से कि जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा तो उसका चार्ज क्या होगा? प्लस वन। क्या होगा? प्लस वन। कार्बन और नाइट्रोजन, किसी का हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं मालूम है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है सबसे हाईएस्ट, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कौन? नाइट्रोजन। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है। क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम चार्ज के इक्वल होगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा। नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -3। तो नाइट्रोजन का चार्ज क्या होगा? -3। हमें नाइट्रोजन का भी मालूम है, हमें हाइड्रोजन का भी मालूम है, हम मेथड लगा के कार्बन का कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी निकालेंगे हम सभी लोग, पहले इस रूल को हम समझ रहे हैं। रूल नंबर 5 का ये एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? कि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाए जिसमें दो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं मालूम है, हमें इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम था क्योंकि हाइड्रोजन का या तो प्लस वन होगा या तो माइनस वन। प्लस वन जब ये फर्स्ट ग्रुप, सॉरी माइनस वन जब फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के साथ होगा। कार्बन फर्स्ट ग्रुप का नहीं है, कार्बन सेकेंड ग्रुप का नहीं है, तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या होगा? प्लस वन। एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो कि कार्बन फर्स्ट ग्रुप का है क्या? नहीं। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप के साथ होगा तभी उसका माइनस वन लेना है, अगर नहीं है तो प्लस वन, हमेशा प्लस वन लेना है तब। तो क्या कार्बन फर्स्ट ग्रुप का है? नो। क्या कार्बन सेकेंड ग्रुप का है? नो। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन। क्या होगा? प्लस वन। अब आ जाओ, क्या कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मालूम है? नहीं। तो क्या करोगे? जब नहीं मालूम है तो रूल नंबर 5 लगाओगे। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? कि जब दो का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं मालूम है तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बेटा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज़्यादा है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये चारों सबसे ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा अगर कुछ भी आएगा तो इससे कम है। देखो क्या इसमें कार्बन है? नहीं, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम है, है ना। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका चार्ज उसके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा। नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -3।
तो हमने नाइट्रोजन का चार्ज कितना लिख दिया, -3। मेरे बच्चों को इतना पॉइंट तो क्लियर हुआ होगा, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है तो हाथ उठा के बता दो, यस सर हुआ। अभी एक एग्जांपल और मैं लिखने वाला, देखो सेकंड एग्जांपल, H3PO4। H3PO4 हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। सबसे पहले क्या हाइड्रोजन मेटल के साथ है? क्या हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के साथ है? नो। सेकेंड ग्रुप के साथ है? नो। फर्स्ट ग्रुप का मतलब हली ना करे रब से फरियाद, सेकेंड ग्रुप का मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फास्फोरस के साथ है बेटा, फास्फोरस फर्स्ट और सेकेंड में नहीं आता, आप देख लो, टेबल खोल के देख लो, मैंने आपको लिखवाया है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का चार्ज क्या लेना है? +1 लेना है। अब बताओ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फास्फोरस? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि इसमें फास्फोरस नहीं है। तो ऑक्सीजन का मिनिमम चार्ज क्या होगा? -2। तो हमने ऑक्सीजन का मिनिमम चार्ज कितना लिया? -2। हमें हाइड्रोजन का भी चार्ज मालूम है और हमें ऑक्सीजन का भी चार्ज मालूम है और हम फास्फोरस का चार्ज निकाल सकते हैं। पहले जितनी बातें बोर्ड पे लिखी हैं उसको अच्छे से नोट करो सभी लोग, बढ़िया से बेटा नोट करो। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, इसका मिनिमम चार्ज मालूम है। फोन, इसको क्या बोलते हैं? फोन। फोन करो, क्या बोलते हैं? फोन करो। फोन मतलब FON, करो का मतलब क्लोरीन। फोन करो रे बाबा, फोन करो, मुझे को फोन करो, है ना? मेरे को एराइज एकेडमी में एडमिशन लेना है तो मेरे को फोन करो, आप लोग ऐसा बोलोगे, है ना? तो फोन कर रहे हो आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो फोन करो, है ना? फोन में क्या क्या आएगा? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, करो का मतलब क्या आएगा? क्लोरीन। फ्लोरीन का मिनिमम चार्ज -1, क्लोरीन का -1, ऐसे याद रखो, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -1, है ना? याद हो गया ना? फोन में फोन -1 -2 -3 -1 मिनिमम चार्ज। फोन करो, फोन में -1 -2 -3 -1, दिस वन इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो बच्चा मैं इसको रफ करता हूँ और अब हम लोग आते हैं नीट या जेई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, उसको निकालना है। हम सभी लोगों को वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है बच्चा, है ना? तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है और वो कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना? देखो सबसे पहला मॉलिक्यूल, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल है HCN। क्या है? HCN। और मैं जिसको अंडरलाइन करूँगा उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? कार्बन का। किसका निकालना है बच्चा? कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखो हाइड्रोजन किसके साथ है? फर्स्ट ग्रुप के साथ, सेकेंड ग्रुप के साथ है क्या? नहीं। तो हाइड्रोजन का चार्ज कितना हुआ? +1। फोन करो, नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना? तो FON करो, पहले का -1, दूसरे का -2, तीसरे का -3, तो नाइट्रोजन थर्ड नंबर पे आता, मतलब इसका चार्ज कितना लेना है? नाइट्रोजन का चार्ज क्या लेना है? -3। और जिसका चार्ज निकालना है इसका चार्ज क्या लेना है? Y लेना है। सबको ऐड कर दें तो हाइड्रोजन पे कितना हुआ? +1 × 1। कार्बन पे कितना हुआ? Y × 1। नाइट्रोजन पे -3 × 1 इज इक्वल टू, क्या इस पे कोई चार्ज है? नहीं। तो ये चार्ज कितना हुआ? 0। सॉल्व करो इसको, 1 + Y − 3 = 0। तो ये होगा बेटा Y, है ना, +1 − 3 = 0। -3 + 1 कितना हुआ? -2। Y − 2 = 0, तो Y = कितना हुआ? +2। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन? +2। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू +2।
क्लियर हुआ ना बच्चों? सभी को बहुत अच्छे से पॉइंट्स क्लियर होंगे, आप देखते जाओ बिंदास तरीके से। क्वेश्चन नंबर टू ध्यान से देखो, क्या है क्वेश्चन नंबर टू? क्वेश्चन नंबर टू है H3PO4। हमें यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? तो यहाँ पे निकालना है फॉस्फोरस का। किसका निकालना है? फॉस्फोरस। हाइड्रोजन क्या फर्स्ट ग्रुप के साथ है? नहीं। सेकेंड ग्रुप के साथ है? नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का नहीं है। तो बेटा हाइड्रोजन पे चार्ज कितना लेना है? +1। फॉस्फोरस पे कितना लेना है? Y। और ऑक्सीजन पे कितना लेना है? -2। ये हमने चार्ज ले लिया। अब ऐड करेंगे सबको, है ना? ऐड करते हैं तो 3 × 1 कितना हुआ? +1 × 3 प्लस फॉस्फोरस का नंबर कितना है? 1। Y × 1 प्लस ऑक्सीजन पे ये है -2 × 4 इज इक्वल टू। बेटा पहले से मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज लिखा था क्या? नहीं लिखा था, है ना? तो चार्ज कितना लेना है इसका? 0 के इक्वल। चार्ज कितना लेना है? इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो ये हो गया 3, ये हो गया Y और ये हो गया -8 इज इक्वल टू 0। बच्चा सॉल्व करो, Y प्लस 3 -8 इज इक्वल टू 0। तो Y -5 इज इक्वल टू 0। तो Y इज इक्वल टू क्या हुआ? +5। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस? दैट इज +5। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू +5। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो उसका आंसर है +5 होगा। देखते जाओ आसानी के साथ, आप नोट करते जाओ सारे क्वेश्चंस, है ना? डीके सर आपको सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, है ना? क्योंकि डीके है तो ओके है, आप ऐसा ध्यान रखो। मैं हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है, सारी समस्याएं आपकी दूर होती जाएंगी। और ऑनलाइन लेक्चर्स तो बहुत बेहतरीन होता है बेटा, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में हमें सब कुछ दिखाई देता है। अगर कुछ छूट गया तो हम रिवाउंड करके उसको फिर से लिख सकते हैं ना, मतलब बैक करो और फिर से लिख लो। एक बार कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो दोबारा आप उसको चला के देख सकते हो, है ना? तो बहुत फ़ायदा होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म का। और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है ना, कि आप एक बार हमारे ऐप से जब जुड़ जाओगे तो आपको एक्चुअल में फील आना शुरू हो जाएगा। अभी तो आप हमारा लेक्चर्स जो देख रहे हो वो यूट्यूब पे देख रहे हो, है ना? जैसे ही आप हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आप हमारे ऐप पे जुड़ जाओगे। हमारे ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल्स, हमारे ऐप पे टेस्ट, हमारे ऐप पे आपका रेगुलर अटेंडेंस, सारी चीज़ें, क्रैश कोर्स के बारे में, सॉरी, जो स्टडी मटेरियल्स होता है वो सब भी ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो ऐप पे जब हमारे आप जुड़ोगे, हमारे वेबसाइट पे जुड़ोगे, तो बहुत सारी फैसिलिटी है जो अनलॉक हो जाती है ना? तो अभी आपके पास सारी फैसिलिटी लॉक हैं, अभी बस आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है, वो चीज़ आपके सामने यहाँ पे है जो आप देख रहे हो। लेकिन जैसे ही आप एराइज अकेडमी में जुड़ जाओगे बेटा, और जुड़ना बहुत फास्ट है क्योंकि बैच हमारा 10 तारीख से आपको मालूम है स्टार्ट हो जाएगा, है ना? 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे, है ना, फाउंडेशन के। तो आप लेट में आओगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए कोशिश करो आप लोग फटाफट सभी लोग एडमिशन ले लो और फाउंडेशन बैच में ज्वाइन होकर अपना फ्यूचर हमारे साथ राइज करो, है ना? वो सारी चीज़ें आपके पास है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी लोगों के लिए है, देखता हूँ मेरे सारे बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है H2S2O5। क्या दिया है? H2S2O5। और हमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? तो क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बेटा? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1, है ना? आसानी के साथ मॉलिक्यूल लिखें H2S2O5, है ना बेटा? हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है? +1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा है और सल्फर फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में नहीं आता है। तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेना है? +1। जिसका निकालना है, सल्फर का निकालना है, तो इसको क्या लेना है? Y। अब फोन करो रे बाबा, फोन करो, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन। फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, -1, -2, -3, करो का मतलब क्लोरीन,
क्लोरीन का क्या था मिनिमम -1, तो हमें मिनिमम लेना होता है। तो ऑक्सीजन का मिनिमम क्या हुआ -2, सबको ऐड किया जाए, चलो ये 2 है ये 1 है तो ये हुआ +1 × 2 प्लस ये 2 है ये y है तो ये y इंटू 2 ये 5 है ये 2 है तो -2 × 5 इज इक्वल टू क्या इस पे कोई चार्ज है नको तो चार्ज कितना हो गया 0 चार्ज कितना हो गया 0 सॉल्व करते हैं इसको तो ये हुआ 2 प्लस ये हुआ 2y -10 इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से देखो ये हमारे पास है 2y प्लस 2 -10 इज इक्वल टू 0 तो बेटा हुआ 2y -8 इज इक्वल टू 0 तो बच्चा 2y इज इक्वल टू 8 सच दैट y इज इक्वल टू 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास +4। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो हम लिख सकते हैं बेटा दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू +4। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +4। मेरे सारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले जो 3 एग्जांपल आपके सामने लिखा गया है उसको अच्छे से सभी लोग नोट कर लो। अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है ना ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं। मैं आपका कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, रटना नहीं है कभी भी। मैंने आपको देखो मेथड सिखाए गए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मेथड क्या होता है। फ़ोन करो ये याद रखना है ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है, हाइड्रोजन अगर फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप के साथ होगा तभी उसका +1 लेना है, सॉरी -1, अदरवाइज हाइड्रोजन का हमेशा आपको क्या लेना है +1। ऑलमोस्ट जितने एग्जाम्पल आएंगे सभी जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है +1 ही आएगा मैक्सिमम, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है ना कि किस तरीके से पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं बेटा। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दिए और 3 एग्जाम्पल सॉल्व किया आपने, बाकी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग अब कंसिडर करने वाले हैं। चलो बच्चा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों को क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल अब वो सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वैसे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। चलो लिखते हैं हम लोग, है ना। हमारे पास क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या दिया है, ये है क्वेश्चन। मॉलिक्यूल कौन सा है, फर्स्ट मॉलिक्यूल देखो SO4-2 ये पहला मॉलिक्यूल है, दूसरा देखो PO4-3 ठीक है ना। थर्ड मॉलिक्यूल है S2O3-2 सही है। फोर्थ देखो मॉलिक्यूल CLO4-1 चार मॉलिक्यूल मैंने दिया। यहाँ पे अंडरलाइन कौन है, सल्फर, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे सल्फर और यहाँ पे क्लोरीन। हमें अंडरलाइन मॉलिक्यूल का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। हम 1 by 1 करके सबको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को हम लेते हैं एंड दैट इज़ द SO4-2 ये हमारे पास मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1 मैंने लिख दिया सबसे पहले। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल लिखेंगे, है ना। मॉलिक्यूल क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है SO4-2। देखो हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम है, तो जिसका नहीं मालूम है उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लें, वाई। सल्फर का निकालना है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, वाई। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोन
ओ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, कितना है -2, सबको ऐड करना है। तो बेटा देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा सल्फर का वाई है और सल्फर का एटम कितना है 1 है, ऑक्सीजन का कितना है -2, देखो ऑक्सीजन का -2, कितना ऑक्सीजन है बेटा 4, दैट इज इक्वल टू। अब बताओ इस मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज कितना है -2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा -2, फिर से इस मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज कितना है -2, तो क्या लिखूँगा -2, तो ये हुआ वाई -8 इज इक्वल टू -2, 8 को उधर ले जाओ, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस, तो ये -2 + 8, तो y इज इक्वल टू सॉल्व करो क्या आएगा +6। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर हियर, तो आंसर हो गया बेटा +6, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं, आप सॉल्व करो खुद से। एग्जाम्पल नंबर 2 PO4-3, ये है एग्जाम्पल, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं स्टेप नंबर 1 से, तो हमने लिख दिया PO4-3, ठीक है। अब आप बताओ बच्चा फास्फोरस का चार्ज निकालना है, इसका कितना हुआ वाई, ऑक्सीजन का कितना लेना है -2, ऑक्सीजन का कितना लेना है -2, सॉल्व करो, ये हुआ वाई इंटू फास्फोरस कितना है 1, ऑक्सीजन का -2 × 4, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है बच्चा -3, पहले 0 था तो 0 लिख रहे थे, अभी -3 तो -3 लिखेंगे, तो ये हुआ वाई -8 इज इक्वल टू -3, उसको उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू माइनस उधर गया -3 + 8, सॉल्व करो तो y इज इक्वल टू क्या हुआ +5, सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस हियर, द आंसर इज +5, क्या आंसर आ गया +5, ठीक है। थर्ड वन टिंटॉन, थर्ड वन देखो, थर्ड वन है S2O3-2, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, ट्राई करो आप लोग, देखो क्या आंसर आ रहा है S2O3-2, तो मैं इसको लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1 में, क्या लिखूँगा S2O3-2, ठीक है ना। तो बेटा देखो सल्फर का चार्ज कितना लेना है y और ऑक्सीजन का क्या लेना है -2, अच्छा कोई कन्फ्यूज ना हो कि यहाँ -2 दिया है तो ये ऑक्सीजन का है, नहीं वो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है। अब ऐड करो तो ये y इंटू सल्फर कितना है बेटा देखो 2, तो हमने 2 लिखा, ऑक्सीजन कितना है -2, कितना ऑक्सीजन है बेटा 3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना दिया है -2, हमने लिख दिया, तो ये हुआ 2y-6 इज इक्वल टू -2, तो बेटा इस 6 को उधर ले जाओ, तो ये हुआ 2y इज इक्वल टू -2 + 6, तो 2y इज इक्वल टू -2 + 6 कितना हुआ +4, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा +2, सॉल्व कर सकते हो ना। तो ये हमारे पास हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर। तो ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल अगर आपके सामने लेके आऊँ और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए बोलूं, तो मेरे बच्चों आप सभी लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो आसानी के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तो मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बहुत डिटेल में आप जब हमारे पास आओगे तो आपको बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ क्या है बेटा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। डीके सर के साथ जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि क्लाइमेक्स क्या होता है ना, तो अभी तो ट्रेलर है, पूरी क्लाइमेक्स और पिक्चर पूरी बाकी हुई है। तो ये था मेरी तरफ से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मेथड्स था जो आप लोगों ने देखा, मैंने 2-3 लेक्चर्स में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया कि किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो मैं आपको 1-2 लेक्चर्स में डिस्कस करके दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।